परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का जो सवाल सब है वो काफी सरल होता है, सब एक जैसा होता है, थोड़ा केवल प्रैक्टिस चाहिए होता है कंफर्टेबल होने के लिए। यहां लिखे हैं कुछ डिजिट्स दिए हैं, 6 डिजिट्स हैं, आपको नंबर्स बनाना है इन्हीं डिजिट का इस्तेमाल करके, 100 से बड़ा और 1000 से छोटा होना चाहिए। जैसे हम 231 एक नंबर हम बना सकते हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करना है, जो वहां डिजिट्स लिखा है उन्हीं को इस्तेमाल करना है और रिपीट नहीं करना है, यानी हम 222 नहीं लिख सकते, 451, 132, 145, ढेर सारा नंबर्स हम बना सकते हैं जो 100 से बड़ा हो और 1000 से छोटा। कुल कितना नंबर्स ऐसा हम बना पाएंगे, दैट इज द क्वेश्चन। तो नंबर्स भी बनाते हैं डैश डैश डैश। इस स्थान को भरने का मेरे पास कितना तरीका है, 6, उन 6 में से हम कोई एक को यहां भर सकते। अब इस स्थान को भरने का मेरे पास कितना तरीका है, 5, और अब इस स्थान को भरने का मेरे पास कितना विकल्प है, 4। यानी हम बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, अभी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन क्या है, अभी हम सिर्फ इतना ध्यान दे रहे हैं कि हमको 3 डिजिट वाला एक नंबर बनाना है, क्योंकि 6 डिजिट्स दिया है, तो 6 × 5 × 4 कुल इतना नंबर्स हम बना सकते हैं, 120 विदाउट रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटेशन इज इक्वल टू, अगर रिपीटेशन अलाउड होता तब कितना आंसर होता। अब इस स्थान को भरने का मेरे पास 6 विकल्प था, और फिर इस स्थान को भरने का फिर 6 विकल्प अगर रिपीटेशन अलाउड होता, और फिर इस स्थान को भरने का 6 विकल्प, तब आंसर होता 6 × 6 × 6। पर इसको ध्यान से देखिए कि इसमें अगर इस स्थान पे हम 0 लिख दें तो वो नंबर फिर 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, जो 100 से छोटा हो जाएगा, यानी ये करेक्ट आंसर नहीं है। यहां पे 3 डिजिट जितना भी नंबर बनाइएगा वो सब 1000 से तो छोटा हो जाएगा पक्का, 1000 से छोटा हो जाएगा, पर उनमें से कई नंबर्स हैं जो 100 से छोटा हो जाएगा, वो नहीं अलाउड है, 100 से बड़ा होना चाहिए। तो फिर से हम लोग को गिनती करना होगा, हम अब उन नंबर्स को गिनती कर लें जो यहां पे अगर हम 0 को फिक्स कर दें तब कितना नंबर्स ऐसा है जिसमें हम पहला स्थान पे 0, तब इस स्थान को भरने का मेरे पास 5 विकल्प है और इस स्थान को भरने का 4। यानी ऐसा नंबर्स इस पूरे झुंड में 20 ऐसा नंबर है जिसमें पहला स्थान पे 0 लिखा गया होगा, बस दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए एंड यू गेट द आंसर। इस सवाल को हम लोग एक और तरीका से अप्रोच कर सकते थे, फिर से डैश 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 बनाते हैं, भरते हैं। हम अगर यहां से शुरू किए होते कि इस स्थान को कितने तरीका से हम भर सकते हैं, तो अगर 100 से बड़ा होना है ये नंबर, मतलब 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, 2 डिजिट नंबर तो 100 से छोटा हो जाएगा, तो इस स्थान को भरने का मेरे पास तरीका है 5, 0 छोड़ के कोई भी। और अब इस स्थान को भरने का मेरे पास कितना तरीका है, कोई एक नंबर हम इन 5 में से भर दिए, उस स्थान के लिए चुन लिए, और अब मेरे पास फिर 5 नंबर बचा रह गया है, क्योंकि अब हम 0 को भी यहां लिख सकते हैं, और अब इस स्थान को भरने का तरीका 4, यानी 5 × 5 × 4 100, सेम आंसर आना चाहिए था और आया भी है 100। हम दो तरीका से सवाल को अप्रोच किए, तरीका एक कि हम बिना रिस्ट्रिक्शन के इन 3 स्थानों को कितने तरीकों से भर सकते हैं यूजिंग दोज डिजिट्स, उनमें से हम उन संख्या को सब्ट्रैक्ट कर दिए जो हमारे रिक्वायर्ड सिचुएशन के फेवरेबल नहीं है, पक्ष में नहीं है। 2 डिजिट नंबर्स
वर नॉट एक्सेप्टेबल, मैंने यहां पे अगर शून्य हो तो वो वाला नंबर सर एक्सेप्टेबल नहीं था, तो हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिए खोज के। तरीका दो कि हम यहां से भरना शुरू करें, पहले इसी स्थान को भरते हैं, तो जीरो छोड़ के कोई भी भर सकते हैं। तो पांच तरीका है मेरे पास, अब इस स्थान को भरने का मेरे पास फिर पांच तरीका है, क्योंकि पांच नंबर अभी अवेलेबल है मेरे पास। और फिर अब एक कम, दैट इज द आंसर। यहां पे 10 अल्फाबेट्स दिया है, ABCD EFGH IJ 10, 4 4 8 2 10। नंबर ऑफ वर्ड्स विदाउट रिपीटिशन इन 10 अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करके कुल कितना वर्ड्स आप बना सकते हैं बिना रिपीटिशन के, 10 को इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि हम उसमें सिर्फ एक वर्ड कह रहे हैं कि बनाइए 4-letter वर्ड डैश डैश डैश, तब आंसर होता 10 × 9 × 8 × 7। ये जरूरी नहीं कि आप यहां से शुरू करें, कहीं से भरना शुरू कीजिए। मान लीजिए हम वर्ड बनाना चाहते हैं उन्हीं अल्फाबेट से इस्तेमाल कर, हम यहां से लिखना हम एफ मैंने कोई एक सेलेक्ट किए उसमें से, तो आप इधर से भी लिख सकते थे कि इस स्थान को भरने का मेरे पास कुल विकल्प है 10, फिर अगले स्थान को भरने का 9, फिर 8, फिर 7। आंसर 10 × 9 × 8 × 7 होता, जो कि 10P4 है। 10 में से कोई 4 को आप सेलेक्ट करते और उनको आपस में म्यूचुअली अरेंज करके इतना तरह का वर्ड्स आप क्रिएट कर सकते थे 10 में से 4। दिस दिस एंड दिस दे आर ऑल सेम। आप जैसे भी सवाल को अप्रोच कीजिए, दोनों अप्रोच समझ में आना चाहिए। जो डैश 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 करके हम भरते हैं एक एक करके, वो तो समझ में आना ही चाहिए, ये भी समझ में आना चाहिए कि आप एक्चुअली शब्द बना कैसे रहे हैं। उन 10 में से कोई 4 को चुन लिए इतने तरीकों से, चुनने के बाद उनको यहां पे अरेंज किए इतने तरीकों से, दोनों को गुणा करने पर जो नंबर आता है उसके लिए सिंबल बनाए थे हम लोग, पी 10P4 बोलते थे। तो आप आंसर ये बोल सकते थे, ये बोल सकते थे, या ये बोल सकते थे, तीनों में से कोई नहीं। पर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि एक 10-letter का एक वर्ड है, 4 4 8 10, यानी 10 को ला करके और सिर्फ सजाना है। वो कितना तरीका से आप कर सकते हैं, वो है 10 factorial। 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, उस संख्या को सवाल में कह रहा है m, यानी m जिसको कहा है वो संख्या है 10 p10, लिख सकते हैं, या 10 में से 10 को सेलेक्ट किए, उसको आपस में अरेंज किए, या सिर्फ 10 factorial, एक ही बात लिखा हुआ है, या 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5, वो एक ही बात को हम दो दो तरीका से बोल रहे हैं, पर दोनों क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन में हम डिफाइन किए हैं, लेट m बी द टोटल नंबर ऑफ 10-letter वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम दीज अल्फाबेट्स विदाउट रिपीटिशन। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसी में हम कहते हैं कि रिपीटिशन इज अलाउड, यहां a लिखे, यहां फिर ए लिख सकते हैं, फिर ए फिर ए फिर ए, 10 को ए से भर सकते हैं। अगर ऐसा होता तब कितना कुल, जैसे यहां ए लिखे बी 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 सी डी ई एफ जी, 10 हो गया, 4 4 8 10, एक वर्ड हम बना दिए, ये नहीं अलाउड है। क्वेश्चन में साफ लिखा है कि किसी अल्फाबेट को आप रिपीट नहीं करेंगे, सच वर्ड्स आर नॉट टू बी काउंटेड। मान लीजिए ऐसा बोले होते कि रिपीटिशन इज अलाउड, तब इस स्थान को भरने का तरीका 10, फिर इसको 10, फिर 10, फिर 10, तब आंसर 10^10, उतना नंबर ऑफ वर्ड्स बना पाते। तो क्वेश्चन में m जिसको भी बोला है वो संख्या हम गिनती करेंगे, m बराबर 10 factorial। फिर क्वेश्चन में एक और नंबर डिफाइन किया है n, एन नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर एग्जैक्टली 1-letter
appears twice and no other letter is repeated. इसको ध्यान से पढ़ना होगा ना, क्योंकि हमको गिनती करना है, n का वैल्यू बताना है, हाउ मेनी. सपोज टू काउंट एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ n. और लास्ट में पूछे हैं तब फाइंड द वैल्यू ऑफ n डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स n. m तो गिनती कर ली है, सिंपल था, n करें. n में लिखा है कि कोई एक अल्फाबेट को दो बार इस्तेमाल करना है, शब्द बनाना है 10 लेटर, अभी भी 10 लेटर वर्ड ही बनाना है, उसी में से चुनना है अल्फाबेट्स. लेकिन अभी जो वर्ड बनाएंगे उसमें कोई एक लेटर होना चाहिए जो दो बार इसमें अपीयर करना चाहिए और बाकी 8 रिपीट नहीं होना चाहिए. जैसे हम अगर सोचे हैं कि 2 A चुन लेते हैं, आप फिर बाकी 9 बचा, उन 9 में से कोई 8 को चुन लेते हैं, जो कि कितना तरीका से हम चुन सकते हैं. फिर हम जिनको रिपीट करेंगे वो कितना तरीका से चुन सकते हैं, या तो 2 A को सोचे कि रिपीट करें, या B को या C को, 10 में से कोई एक जिसको हम डिसाइड करेंगे कि रिपीट करेंगे, 10C1. तो कोई एक अल्फाबेट को हम डिसाइड किए कि रिपीट करेंगे, बाकी 9 में से हम कोई 8 को चुन लिए. और अब इसको हम चुनने के बाद आपस में अरेंज कर दिए, कितना तरह से अरेंज कर सकते हैं फॉर एनी वन चॉइस. जैसे हम अगर डिसाइड करते हैं कि हम A को रिपीट करेंगे तो 2 A ले लिए, और हम डिसाइड करते हैं कि बाकी 9 अल्फाबेट्स में से J को छोड़ के बाकी 8 को चुनेंगे, B C D E F G H I. ये अभी सिलेक्शन किए हैं, अब इनको अरेंज करेंगे. ये 9 है और ये 10 है. तो अगर हम A और A को चुने हैं तो बाकी को हमको चुनने का 9 तरीका है. जैसे ये एक तरीका है, दूसरा तरीका B C D E F, अभी सजाए नहीं है केवल चुने हैं, H J. तीसरा तरीका B C D E F G I J. इस तरह से कुल मेरे पास 9 choices है. अब फिर उनको सजाएंगे, और अगर हम सोचे होते कि 2 B चुनेंगे, B को रिपीट करेंगे तो 2 B, और बाकी 8 चुनने का तरीका, फिर मेरे पास 9. यही लिखे हैं अब तक. अब तक हम सिलेक्शन आपके सामने लिखे हैं. इन हाउ मेनी वेज कैन आई सेलेक्ट 1 अल्फाबेट रिपीटेड एंड द रिमेनिंग 8 अल्फाबेट्स फ्रॉम द रिमेनिंग 9 नॉन रिपीटेड. तब फॉर एवरी चॉइस, अभी एक चॉइस है, अब इसको यहां रख करके सजाना है, वो कितने तरीका से सजा सकते हैं. तो 10 ऑब्जेक्ट्स है जिसमें 2 आइडेंटिकल है, तो इनको सजाने का तरीका यही हम लोग सीखे. 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आइडेंटिकल अगर है उसमें, तो उनके म्यूचुअल अरेंजमेंट के कारण नया अरेंजमेंट नहीं क्रिएट होता है, तो उतना फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, एंड दैट इज द आंसर. ये हुआ n, विच इज 10 × 9, 9C8, मतलब 9C1, विच इज 9 × 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल माने 2, दिस इज 90 डिवाइडेड बाई 2, 45 इंटू 10 फैक्टोरियल. अब आंसर ले लें हम लोग. हम लोग को डिवाइड करना है n को m से और 9 से, तो 45 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल और एक 9 भी है, तो ये कट जाएगा नंबर और आंसर 5. एक सेट डिफाइन किया गया है, कैपिटल S नाम है, उसमें 9 एलिमेंट्स लिखा हुआ है, 9 नेचुरल नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. उसके बाद एक सिंबल कैपिटल N सबस्क्रिप्ट में K, ऐसा को हम डिफाइन किए हैं. N K इक्वल, इट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट कंसिस्टिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स,
सबसेट याद दिला दे, कोई भी एक सेट हम दे दें ए बी सी, तीन एलिमेंट का एक सेट है yes. हम इसका सब सेट कहें कि बनाइए, मतलब आप कोई भी सेट बना सकते हैं, उसमें जो भी एलिमेंट्स आप लिखेंगे वो वहां पे मौजूद होना चाहिए, तभी कहेंगे इस सेट को उस सेट का सबसेट। उन एलिमेंट्स के अलावा किसी भी एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं करना है सेट बनाने के लिए, आप इन्हीं में से किसी को चुन सकते हैं टू क्रिएट योर सेट, या नहीं चाहे तो नहीं भी चुन सकते हैं किसी को, यानी आप एक नल सेट बना सकते हैं, उसको भी हम सबसेट कहेंगे, यही डिसाइड हुआ है। That is the definition of a subset. So let us create all the possible subsets of this set. बहुत सारा है, हम डिसाइड किए कि हम ना इसको चुनेंगे ना इसको ना इसको, कोई को नहीं लेंगे तो नल सेट बन जाएगा। हम डिसाइड किए कि इसको खाली चुनेंगे और बाकी दोनों को नहीं चुनेंगे। I am creating all the possible subsets of this set. B, C, एक एक एलिमेंट वाला सबसेट पहले लिखे हैं, अब दो दो एलिमेंट वाला ए बी ए सी बी सी, दो दो एलिमेंट वाला सारा सबसेट लिख दिए और कुछ नहीं बचा। इतना निश्चित हो के हम कैसे बोल सकते हैं कि अब कोई बचा ही नहीं? बड़ा सिंपल है, आप एक एक एलिमेंट वाला सेट कैठो बना सकते हैं, तो तीन में से एक चुनने का कितना तरीका से आप चुन सकते हैं, तीन ऑब्जेक्ट में से एक, 3C1 यानी तीन तरीका से चुन सकते थे, तो बना दो तीन। तीन ऐसा सबसेट बना सकते हैं आप जिसमें कि आप एक ही एलिमेंट चुन चुन के भरेंगे, और दो दो एलिमेंट वाला कैठो बना सकते थे 3C2, तीन में से दो दो चुनने का कितना तरीका है 3C2 विच इज 3C1, ये भी 3। अब तीन तीन एलिमेंट वाला सेट बनाते हैं, वो कितना तरह से आप बना सकते हैं 3C3, तीन में से तीन चुनने का विच इज 3C0 विच इज 1, और एक भी नहीं चुने उसका कितना तरीका है तीन एक भी नहीं चुने दैट इज 1। एक तरीका है जिसमें कि आप एक भी नहीं चुने, एक तरीका है जिसमें सबको चुन लिए, यानी कि कुल कितना सबसेट्स बनेगा इस सेट का सब लिख दिए। इस कलेक्शन को भी हम एक बड़े से कर्ली ब्रैकेट में डाल दें, द कलेक्शन ऑफ ऑल दिस सबसेट्स, तो इस सेट को हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ दैट सेट। अगर इस सेट का नाम एस है तो उसके पावर सेट को हम लोग कैपिटल पी ब्रैकेट में एस इक्वल टू ऐसे करके लिखते हैं, यानी इस सेट का कभी कहें कि पावर सेट बनाइए तो हम मीन कर रहे हैं उसके सारे सबसेट्स का कलेक्शन। तो उसमें एक नल सेट होगा, तीन होगा ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होगा कॉमा, तीन होगा जिसमें कि दो दो एलिमेंट होगा, एक होगा जिसमें तीन एलिमेंट होगा, ये सेट इस सेट का पावर सेट है। कुल कितना एलिमेंट्स होगा पावर सेट में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, वो ऐसे लिखेंगे तो आप तीन, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ दिस सेट, ये है पावर। गिनती कीजिए, एक एलिमेंट दो, ये एक एलिमेंट है, एक दो तीन, तीन तीन छह प्लस सात आठ। हम लोग बिना ये लिखे हुए बता सकते थे उसके पावर सेट में कितना एलिमेंट्स होगा, यानी उसका कुल कितना सबसेट होगा, क्या हम बिना इस सेट को क्रिएट किए लिख सकते हैं? यस, व्हाई नॉट, इट इज 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3, तीन में से एक एक एलिमेंट वाला सबसेट, दो दो एलिमेंट वाला सबसेट, तीन तीन एलिमेंट वाला सबसेट, एक को एलिमेंट नहीं वाला सबसेट, यही ना है टोटल नंबर जो कि हम लोग पढ़े हैं NC0 से लेकर के NCN तक को अगर कभी कहें कि ऐड कर दीजिए
NC0 plus NC1 plus N dot dot dot, ये हम NCN तक लिख सकते हैं बस। ऊपर में अगर यहां 7 लिख दें तो यहां सबस्क्रिप्ट में 7C0 इज अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट 1, और 7C7 इज अनदर मीनिंगफुल स्टेटमेंट। 7 ऑब्जेक्ट में से 7 ऑब्जेक्ट चुनने का तरीका एक ही तरीका है, 7 में से 7 तो चुन लिए एक ही तरीका, 7 में से 2 चुनने का तरीका 7C2। अगर हम ऐसा सवाल कभी पूछे कि 7 वस्तु में से एग्जैक्टली 3 वस्तु चुनने का तरीका, तो आप बोलेंगे 7C3। हम कहेंगे कि 3 या 5 चुनने का तरीका, तो 3 चुनने का तरीका, 5 चुनने का तरीका, और जब या बोले तो एट दीज टू वेज। अगर हम कहते हैं 0 और मोर, यानी एक भी नहीं चुनिए, या एक चुनिए, या दो चुनिए, या 3 चुनिए, आपकी मर्जी, एक को मत चुनिए, या सब चुन लीजिए, या एक चुन लीजिए, 0 और मोर, तो इस बार हम इन सब का सम पूछ रहे हैं, तो वो आंसर हम प्रूफ नहीं किए हैं, करेंगे जब बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग पढ़ेंगे उसमें प्रूफ करेंगे। अभी सिर्फ आपको हम रटवाए हैं कि NC0 से लेके NCN तक का सम अगर पूछें कि बताइए, तो बेहिचक 2n बोल दीजिए, यानी कि 2^3 यानी 8। तो बिना लिखे भी हम बता सकते थे, जब हम लोग सेट्स पढ़ रहे थे ना तो उस समय हम इस बात को बोले थे कि किसी भी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दिख जाए n, तो इसके पावर सेट में कितना एलिमेंट्स होगा, अगर ऐसा पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ दिस सेट, तुरंत बोलिएगा 2^n। एक और एग्जांपल देखिए, इमेजिन कीजिए कि इसमें 4 एलिमेंट होगा सेट S में, और हम आपसे पूछते हैं कि इसके पावर सेट में कितना एलिमेंट्स होगा, यानी कि कुल कितना सबसेट्स होगा इसका, यही पूछ रहे। हम पावर सेट को लिख भी रहे हैं, एक भी नहीं चुने, सबसेट बनाते ऐसे ही है ना, बनाइए एक्चुअली, जैसे वर्ड्स कैसे बनाते हैं डैश 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 करके, या डिजिट नंबर्स कैसे बनाए, वैसे ही बनाइए। आप एक कर्ली ब्रैकेट खोल लीजिए, उसमें भरना शुरू कीजिए यहां से एलिमेंट्स चुन चुन के, पर इतना ही में से चुनना है या नहीं चुनना है आपकी मर्जी। एक भी एलिमेंट अगर हम नहीं चुने तो एक्स एक सबसेट बनेगा, अगर हम एक एलिमेंट वाला सबसेट्स बनाए तो 4 बनेगा, ए बी सी कॉमा डी। हम दो दो एलिमेंट वाला सबसेट ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी, तीन तीन वाला ए बी सी ए बी डी ए सी डी बी सी डी, बिना लिखे बताइए कितना होगा, 4C0 प्लस 4C1, 4 में से एक एक एलिमेंट चुन के इतना आप सबसेट्स बना सकते हैं 4। ऐसा एक, दो दो वाला 6, 4×C इज 4×3, दो टर्म लिखेंगे डिवाइड करेंगे 1×2 से, यानी कि 6, तो दो दो एलिमेंट वाला 6 बनेगा, a, b, c, d, b, c, d, c, d, c, d, बस यही बनेगा। फिर प्लस 4C3, तीन तीन वाला विच इज 4C1 विच इज 4, 4 ही बनेगा, a, b, c, a, b, d, a, c, d, and b, c, d, प्लस 4C4, 4 एलिमेंट वाला विच इज 4C0 विच इज 1, इतना कुल एलिमेंट्स होगा। सबका सम कितना होगा, ना वो लिखने का जरूरत था ना ये करने का जरूरत था, आपको सिर्फ वो फॉर्मूला याद रखने का जरूरत था, 2^4 इसका 16 सबसेट्स बन सकता है। हम सबसेट्स को रिवाइज किए क्योंकि अभी एक सवाल पूछ रहे हैं सबसेट्स पे, एक सेट डिफाइन किए हैं फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स का, और एनके को डिफाइन कर रहे हैं अ सबसेट ऑफ दिस सेट कंसिस्टिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स।
हम अगर सिर्फ इतना ही पूछ दें कि पांच एलिमेंट वाला कितना सबसेट बन सकता है, हाँ तो नौ में से पांच चुनना है, the answer will be 9C5, वो क्वेश्चन नहीं पूछे। लेकिन अगर ऐसा पूछे कि इसमें से पांच एलिमेंट वाला सबसेट, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये एक सबसेट है जिसमें पांच एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 6, 1 बहुत है, तो ऐसा ऐसा जिसमें पांच एलिमेंट हो एग्जैक्टली वैसा कैठो सबसेट बनेगा। मतलब इन नौ में से पांच ऑब्जेक्ट चुनने का तरीका कितना है वही पूछ रहे हैं, द आंसर इज 9C5। बट ये क्वेश्चन तो पूछेंगे ना इतना सिंपल सा, थोड़ा सा तो घुमाएंगे ना कुछ, तो घुमाए हैं। एन के रिप्रेजेंट्स अ सबसेट ऑफ दिस सेट कंसिस्टिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स आउट ऑफ विच के आर ऑड। इसमें से इन नंबर्स को हम ऑड नंबर्स बोलते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 और 2, 4, 6 और 8। इस झुंड में, कलेक्शन में, पांच ऑड नंबर्स है और चार इवन। ये जो डिफिनेशन दिया है उसके अनुसार अगर हम एन टू लिखते हैं, एन टू का वैल्यू बताइए, यानी हम एक ऐसे सबसेट का बात कर रहे हैं जिसमें पांच एलिमेंट है जिसमें से दो ऑड होना चाहिए, यही डिफिनेशन दिए है। एन थ्री लिखेंगे कि एन थ्री बताइए, ऐसा कोई एक सबसेट नहीं, बहुत सबसेट है। जैसे हम इनमें से हम कोई दो ले लेते हैं, 1, 3, इनमें से कोई तीन चुन लेते हैं, 4, 6, 8, एक सबसेट हम बनाए। एन टू का मतलब आप डिफाइन किए थे अ सबसेट ऑफ 5 एलिमेंट्स आउट ऑफ विच 2 मस्ट बी ऑड। एन थ्री का मतलब अ सबसेट ऑफ 5 एलिमेंट्स आउट ऑफ विच 3 नंबर्स मस्ट बी ऑड नंबर्स एंड द रिमेनिंग मस्ट बी इवन ऑफ कोर्स। ऐसा बहुत है, हम एक तो लिखे हैं, अगर हम 1, 3 चुने और यहां पे हम उन चार में से 2, 4, 6 को चुन लिए, ये भी है। यहां 1, 3 चुने, 2, 6, 8 चुन लिए, हम यहां पे दो ऑड जो चुनना था उनको हम 3, 5 चुन लिए, फिर सो देर आर सो मेनी एन टूज, देर आर सो मेनी एन थ्रीज। हम आपसे पूछे हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5। N1 पहले निकालते हैं, N1 मतलब ऐसा सबसेट्स जिनमें एक एलिमेंट ऑड, N1 काउंट करना है, N1 कैट हो ऐसा सबसेट होगा जिसमें एक एलिमेंट ऑड हो और बाकी चार इवन हो, तो चुनिए ना, चुनिएगा तब ना बनाइएगा। आपको पांच एलिमेंट अरेंज नहीं करना होता है, सेट लिखते वक्त सिर्फ आप सिलेक्शन करते हैं, यू डू नॉट अरेंज। क्योंकि एक सेट में अगर 3 एलिमेंट हम ऐसे लिख दें, या हम एलिमेंट्स को ऐसे लिख दें, या हम ऐसे लिख दें, इनके स्थान को हम अदला बदली कर रहे हैं, तो ये अलग अलग सेट नहीं माना जाता है। यानी उन एलिमेंट्स का जो प्लेसिंग है अंदर में, दैट डज नॉट चेंज द सेट। तो आपको जब भी कह रहे हैं कि एक सेट बनाइए, तो सिर्फ सेलेक्ट करना है। दो ही चीज ना काउंटिंग में हम लोग सीखे हैं, हाउ टू सेलेक्ट एंड हाउ टू अरेंज। तो यू आर गोइंग टू क्रिएट अ सेट means you are going to select, तो select कीजिए। आपको ऐसा subset बनाना है जिसमें एक odd हो और चार even, one odd, N1 means one odd and four even। बस आप गिनती तुरंत बता सकते हैं कैट हो ऐसा set बन सकता है। इन पांच में से कोई एक संख्या चुनेंगे, उसके बाद फॉलोड इन चार में से कोई चार चुनेंगे, तो 5C1
4C4 बीच में मल्टीप्लाई एंड लिखा है, जैसे कि दो शर्ट हो S1 S2 और तीन पैंट हो, एक इसमें से चुनना है एंड एक इसमें से चुनना है। इसमें से एक चुनने का तरीका है 2C1 दो में से, इसमें से एक चुनने का तरीका मेरे पास इतना है। तीन तरीका से आप पैंट चुन सकते हैं, तीन में से एक ही चुनना है। इसीलिए अगर तीन में से दो कहते कि चुनना है दो पैंट, तो P1 P2 is one choice, P1 P3 P2 P3, तो 3C2 लिखते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग में हम लोग सीखे हैं। जब कभी ना एंड बोले अपने वाक्य में ही रहेगा, आप टोटल खोज लिए, ये 5 है, 4C0 which is 1, यानी 5 ऐसा सबसेट बनेगा जिसमें एक एलिमेंट ऑड है और बाकी 4 इवन है। बना के देखें, 4 इवन तो ये चारों को चुनना ही पड़ेगा, 4 ही है और एक उनमें से कोई चुनना है, हो गया एक चॉइस। ऐसा सबसेट जिसमें एक नंबर ऑड है बाकी 4 इवन है, और अपना बना के देखिए दूसरा, 2 4 6 8 तो आपको मजबूरी है ना, चारों चुनना ही पड़ेगा, 4 इवन चुनना है और 4 ही इवन। यहां 2 3, एक बार 5 चुन लीजिए, एक बार 7, एक बार 9, दीज आर द 5 सबसेट्स जो बना पाएंगे आप, विच कंसिस्ट ऑफ 1 ऑड नंबर एंड 4 इवन। अब N2 खोजें, N2 मतलब 2 ऑड एंड 3 इवन। सोच के देखिए, इन्हीं 5 में से कोई 2 ऑड चुनना है और उन 4 में से कोई 3। कैलकुलेट कर लीजिए, 5C2 का वैल्यू 5 × 4/1 × 2 = 10। 4C3 मतलब 4C1 which is 4, so this is 40. N3 3 odd and 2 even. N4 4 odd and 1 even. N5 5 odd and no even. सबका नंबर गिनती कर लें, 5 odd, 5 में से 5 चुनने का तरीका, 5C5 into 4C0 which is 5C0 which is 4 odd, 5 में से 4, 5C4, 4 में से 1, 4C1 which is 5C1 into 4C1, 5 into 4, 20 equal to 5 में से 3 और 4 में से 2, this is 5C2 which is 5 × 4/2, 10, 4C2 is 4 into 3, दो टर्म बोले, डिवाइडेड बाई 2, इट इज 6, 60। आप सबको ऐड कर दीजिए, यही क्वेश्चन। 4 प्राइजेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगेस्ट 5 स्टूडेंट्स, सो दैट नो वन स्टूडेंट गेट्स ऑल द प्राइजेस। अगर हम कोई रिस्ट्रिक्शन न डालें, 5 लोग हैं उनमें हमको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है, देर आर 4 प्राइजेस। अब हम प्राइजेस को किसी को दे सकते हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5, देर आर 4 प्राइजेस P1, P2, P3 एंड P4 केप्ट ऑन द टेबल। क्वेश्चन ही है कि कितना तरह से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। जैसे हम P1 दे दें इसको, P2 दे दें इसको, अब P3 P4 मिल गया इसको, ये एक तरीका है प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होने का। इसको P1 P3 मिला, P1 P3 मिला, इसको P2 P4 मिला, ये दूसरा तरीका है। ऐसा कुल कितना तरीका हो सकता है प्राइस के डिस्ट्रीब्यूट होने का, दिस इज अ वेरी लार्ज नंबर। सब लिख करके नहीं आप गिनती कर पाइए, कोई अकल ही से आपको बताना होगा। तो चलिए ना डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, लेट्स स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। पहला प्राइज उठाया, हम कितने तरीका से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 5 तरीका से, इसको दे दें या उसको दे दें या उसको दे, एकदम जो शब्द अंग्रेजी में लिखा होता है ना सवाल में, जस्ट फॉलो। कहा कि वर्ड्स बनाइए, तो बनाना शुरू किए 10 डैश में। कहा कि एक सवाल में कि
नंबर्स बनाइए यूजिंग डिजिट्स, तो नंबर बनाना शुरू किए, कहा कि सबसेट्स बनाइए तो बनाना शुरू कर दिए। अब कह रहा है प्राइजेस को बांटिए, तो बांटिए ना, हम किसी एक प्राइस को कितने तरीका से बांट सकते हैं, पांच तरीका से, और दूसरे प्राइस को पांच तरीका से बिना रिस्ट्रिक्शन, अगर रिस्ट्रिक्शन हो तब ना कोई, कि आप एक बार जिसको दे दिए दोबारे उसको नहीं देना, मान लीजिए ऐसा हो तब हम ये पांच नहीं लिखते। तो पहला प्राइस को पांच तरीका से बांट सकते हैं, अब दूसरे को कहते चार ही तरीका से बांट सकते हैं। अगर आप कहे होते सवाल में कि किसी एक विद्यार्थी को जो प्राइज मिल गया उसको दोबारे नहीं मिलेगा, तो हम दूसरा चार बोलते। लेकिन अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो कुल हम इन प्राइजेस को पांच गुने पांच गुने पांच गुने पांच यानी 5 to the power 4 इतना तरह से बांट सकते हैं, 25 गुने 25 625 विदाउट रिस्ट्रिक्शन। द प्राइजेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्राइजेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इतना नंबर ऑफ वेज। अब जरा सवाल में देखिए रिस्ट्रिक्शन क्या है, रिस्ट्रिक्शन था कि सारा प्राइज किसी एक को नहीं मिलना चाहिए, नो वन सिंगल स्टूडेंट गेट्स ऑल द प्राइजेस। अच्छा, उसको खाली कैंसिल कर देते हैं, इस गिनती में उसका क्या होगा, जितना तरह तो सारा प्राइज एक ही को मिल जाए, ऐसा कितना तरह हो सकता है, सब S5 को मिल जाए या सब S4 को मिल जाए या सब S3 को मिल जाए या सब S2 को या सब S1 को, तो ऐसा पांच ही तो है केस, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से एंड दैट इज द आंसर। यहां एक वर्ड लिखा हुआ है परम्यूटेशंस, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 अल्फाबेट्स दिख रहा है और रिपीटेड सिर्फ टी है बस, बाकी सब डिफरेंट दिख रहा है। हम अगर एक सवाल पूछे आपसे कि इन अल्फाबेट्स को आपस में परम्यूट कीजिए, मतलब इनको अदला बदली करके अरेंज कीजिए, तो बताइए कुल कितना वर्ड्स आप बना सकते हैं जस्ट बाय परम्यूटिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस। तो गिनती कर लीजिए, 12 अल्फाबेट है जिसमें दो आइडेंटिकल है, तो आप आंसर तुरंत बोलते हैं 12 factorial by 8 आइडेंटिकल अगर होता है तो उनके म्यूचुअल अदला बदली के कारण नया अरेंजमेंट नहीं उत्पन्न होता है, सो वी हैव टू डिवाइड। अगर 12 डिस्टिंक्ट होता, यहां पे कुछ क्यू होता है ऑल डिस्टिंक्ट, तब इनका परम्यूटेशन होता 12 factorial। लेकिन आइडेंटिकल कोई है वो गिनती करना पड़ता है, मान लीजिए इसमें दो टी, टू टीज, और 3 A's मान लीजिए होता, 5 and 7 डिस्टिंक्ट, 2 3 5 and 7 12 अगर होता, आप तब कहते कि इनको परम्यूट करेंगे तो कितना तरह का हम वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, तो 12 factorial डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच परम्यूटेशन के कारण जितना भी वेज उत्पन्न होता उतना से डिवाइड करते हैं और इन तीनों के म्यूचुअल परम्यूटेशन 3 factorial से भी डिवाइड करें। पर यहां पे सिर्फ 2 T है जो आइडेंटिकल है, बाकी सब डिस्टिंक्ट है, इसीलिए ये आंसर होता। ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो हम रिस्ट्रिक्शन दे देंगे ना, हर सवाल में क्या करेंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शन दे देंगे, नहीं नहीं हमको सब नहीं चाहिए वो, क्योंकि ये कंडीशन ये है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ढूंढना है such that there are 4 letters between P and S। यहां पे 12 स्थान हम बना रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P और S के बीच में 4 alphabet होना आवश्यक है। जैसे हम पहला स्थान पे अगर P रखते हैं तो फिर हमको छठा स्थान पे S को रखना होगा, बीच में 4। पहला स्थान पे अगर P रखते हैं तो S को छठा स्थान पे रखना होगा, अगर P को हम दूसरे स्थान पे रखते हैं तो S को 7वें स्थान पे रखना होगा।
हम घसकाते जा रहे हैं, देख रहे हैं कि ऐसा कितना तरीका से हम पी और एस को प्लेस कर सकते हैं ताकि उनके बीच में हमेशा चार स्थान खाली दिखे। तो हम घसका घसका के देख रहे हैं, आखिरी स्थान एस को हम अगर 12वां स्थान पे रखते हैं और पी को 7वें स्थान पे, ताकि चार बीच में रहे। पहला पे रखे तो छठा, 6-1 5 था, दूसरा पे रखते तो 7वां। तो अगर एस को 12वां पे रखते हैं तो 12-5 करके 7वां हम नंबर ढूंढे, यानी टी का स्थान एक से लेके घसका के 7 विकल्प है मेरे पास। फर्स्ट पोजीशन 6th पोजीशन, सेकंड 7th, थर्ड 8th, फोर्थ 9th, इस तरह से 7वां पोजीशन पे टी और 12वां पोजीशन पे एस, कुल मेरे पास 7 ऐसा तरीका है टी और एस को प्लेस करने का इनटू 2 फैक्टोरियल। ये क्यों किया? क्योंकि ये नहीं लिखा है कि पहले पी और तब एस। क्वेश्चन में पी और एस का स्थान ऐसा होना चाहिए कि उनके बीच में चार स्थान हो हमेशा। तो हम पी यहां रखें, एस यहां रखें, या एस यहां रखें पी यहां रखें, यानी म्यूचुअली इन दोनों को हम अदला बदली कर सकते हैं स्थान को, जो कि 2 फैक्टोरियल तरीके से किया जा सकता है। और 7 ऐसा जोड़ा जोड़ा में स्थान है पी और एस के लिए जिनके बीच बीच में 4। तो पी और एस का पोजिशनिंग इतने तरीके से हम कर सकते हैं। एंड फॉर एनी पर्टिकुलर पोजिशनिंग, मान लीजिए इस समय हम पी और एस को यहां रखे हैं, ऐसा ऐसा मेरे पास 14 है, बट इस समय हम बाकी स्थानों पे जो बाकी 10 अल्फाबेट्स है उनको हम आपस में तो कहीं भी अदला बदली कर सकते हैं, जो कि कितना तरीका से कर सकते हैं, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, इसलिए क्योंकि इन बाकी 10 में 2 आइडेंटिकल अल्फाबेट है टी। तो 10 को आपस में परम्यूट करने का तरीका जिसमें कि 2 आइडेंटिकल है इतना, एंड दैट्स द आंसर। If you really want to smoothen yourself, smoothen your approach, then you need to practice. यहां हम कुछ digits लिखे हैं, 1202424, 3-2 लिखे हैं, 3 2s, 2 4s, और एक सिंगल 1 है और सिंगल 0 है, 3 2 5 और 1 1 7, गिन लें 4 3 7। ठीक है, आपको इन्हीं को इस्तेमाल करके नंबर्स बनाना है ग्रेटर देन 1 2 3 4 5 6, 10 to the power 6 से बड़ा नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 10 to the power 6 कितना बना सकते हैं इनके इस्तेमाल से बताइए। तो 10 टू द पावर 6 से बड़ा नंबर, 10 टू द पावर 6 खुद 7 डिजिट से बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 10 टू द पावर 6 मतलब 6 जीरोस एंड 1, इससे बड़ा नंबर हमको चाहिए। हाँ, मतलब इस स्थान पे एक या एक से बड़ा, 0 नहीं होना चाहिए। इस स्थान पे हम 1 लिख दें, इसके बाद कुछ भी लिखेंगे तो 10 टू द पावर 6 से बड़ा, या 2 लिख दें या 4 लिख दें, यही सब नंबर ही है मेरे पास अवेलेबल, इन्हीं में से कोई को लिखना है, 0 1 2 4 में से कोई को डालना है, पर 0 नहीं डाल सकते। तो गिनती करें कुल कितना बना सकते हैं। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना तो इन डिजिट्स को यहां लिख लीजिए, और केवल अरेंज करना है तो कुल कितना तरह से अरेंज कर सकते हैं इन 7ों को, दैट इज सिंपल, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 आइडेंटिकल है और 2 आइडेंटिकल है, इतना होता विदाउट रिस्ट्रिक्शन अगर हम इन नंबर्स को अरेंज करते। नंबर ऑफ वेज ऑफ परम्यूटिंग दीज डिजिट्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इज इक्वल, पर उनमें से कुछ है जो कि हम लोग को एक्सेप्टेबल नहीं है। जब 0 यहां पे आ गया हो वो एक्सेप्टेबल नहीं,
तो यहां पे जीरो को डाल दीजिए, एक ही जीरो है उसको यहां डाल दीजिए, और बाकी नंबर्स को अब यहां पे अरेंज कर करके कितना तरह से आप नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट इज 6 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial, 6 डिजिट बचता है जीरो के अलावा, जिसमें कि 3 आइडेंटिकल है और 2 आइडेंटिकल है, तो इतना तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। बस अब दिस माइनस दिस कर दीजिए, क्योंकि आप ये जो गिनती किए ना, ये सब उन नंबर्स को भी गिनती कर लिए जिसमें कि जीरो यहां था, वो सब केसेस है, तो आप उसको उतना को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दैट इज द आंसर। एक वर्ड दिया है अगेन, 1, 2, 3, 4, 5 अल्फाबेट है, उसमें 2 आइडेंटिकल है। क्वेश्चन यही है, वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग आर मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन अ डिक्शनरी देन द 50th वर्ड विल बी। डिक्शनरी में जो वर्ड सब सजाया जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो हम सबसे पहला ए से शुरू होने वाला सारा वर्ड्स सजाते हैं। अगर हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखें तो इन पांचों को आपस में परम्यूट करके कुल जो नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकता है वो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 व्हिच इज 5 × 4 × 3 60 वर्ड्स बन सकता है। हम इन 60 वर्ड्स को क्वेश्चन के अनुसार अरेंज करना है अल्फाबेटिकली, जैसे डिक्शनरी में हम लोग अरेंज करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अरेंज करना। पहले हम ए से शुरू होने वाला सारा वर्ड्स को लिखेंगे। हमको 50th वर्ड खोजना है कौन सा होगा। ए से शुरू होने वाला कितना वर्ड्स है, चलिए ए एक फिक्स कर दीजिए और बाकी जी ए आई एन इनको आपस में स्थान बदल बदल करके जितना तरह से आप बना सकते हैं वो है 4 factorial। ए से शुरू होने वाला कुल इतना शब्द होगा 24। उसको सरियाते वक्त हम ऑफकोर्स पहला वर्ड लिखेंगे ए ए जी आई एन, ये फर्स्ट वर्ड होगा। उसके बाद दूसरा वर्ड ये फिक्स कर दिए हैं, इन्हीं को हम बदल रहे हैं, फिर ए जी एन आई होगा, फिर ए ए आई जी एन होगा, इसी तरह से हम सजाते जाएंगे। तो 24 वर्ड तो हो गया जिसमें कि ए से शुरू होता है। हमको 50th वर्ड तक जाना है, सब लिखना नहीं है, उसके बाद हमारा वर्ड शुरू होगा इनमें से जो नेक्स्ट अल्फाबेट आता है जी। डिक्शनरी में पहले ए से शुरू होने वाला सारा शब्द, फिर बी से, फिर सी से, यहां पे अब जी से शुरू होने वाला शब्द शुरू करेंगे। तो जी को फिक्स कर दीजिए एक स्थान पे, और बचा ए ए आई एन, इनको अरेंज करके कुल कितना शब्द बना सकते हैं। तो उसमें ए ए आई एन 2 आइडेंटिकल है, तो 4 factorial / 2 factorial व्हिच इज 12। अब तक कितना वर्ड तक पहुंच गया आप, 36 वर्ड्स समाप्त हो गया, अभी और देखना है। उसके बाद हम आई से शुरू होने वाला शब्द लिखेंगे। आई से शुरू होने वाला कितना शब्द बनेगा, अगली बार 2 ए है, जी और एन, इन्हीं को आपस में अरेंज करेंगे जो कि आप फैक्टोरियल 4 / फैक्टोरियल 2 यानी 12 तरीका से अरेंज कर सकते हैं, यानी आई से शुरू होने वाला 12 वर्ड्स होगा। कितना शब्द बन गया, 24 + 12 + 12 = 48 वर्ड्स बन गया अब तक। अब आप शुरू करेंगे एन से बनने वाला वर्ड, कुल 60 ही वर्ड्स बन सकता है। अब आप एन से शुरू करने वाला, ये रिमेनिंग 12 यहां पे है, ए ए आई जी, इनको आपस में अरेंज करके फैक्टोरियल 4 / फैक्टोरियल 2 यानी और 12 वर्ड बनेगा, टोटल 48 + 12 = 60 वर्ड होगा। हमको 49th वर्ड और 50th वर्ड, बस 2 वर्ड लिखेंगे के एन ए ए जी आई,
ये मेरा 49th वर्ड है। इनके बाद अब हम खाली ए जी आई पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, सबसे पहले ए लिखेंगे, उसके बाद फिर उसके बाद वाला जो अल्फाबेट होगा वो लिखेंगे, तो ए ही है, फिर उसके बाद वाला जो होगा उसको यहाँ लिखेंगे और उसके बाद वाले को यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पे हम अब जी के बाद वाला वर्ड लिखेंगे आई और जी को वहां, यानी हम यहाँ पे जी से शुरू होने वाला वर्ड सब लिख रहे हैं, अब आई से शुरू होने वाला सब लिखे, सो दैट इज द 50th वर्ड एन ए ए आई जी। देर आर थ्री गर्ल्स एंड सेवन बॉयज, थ्री गर्ल्स एंड सेवन बॉयज यानी 10 लोग हैं। आपको एक 5 मेंबर का टीम बनाना है, 5 मेंबर टीम, इन्हीं में से चुनना है। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो तो 10 में से 5 इतने तरीका से आप चुन सकते हैं 10C5, लेकिन सवाल में रिस्ट्रिक्शन तो होगा। तो 5 मेंबर टीम इज टू बी सिलेक्टेड एंड अब रिस्ट्रिक्शंस, एटलीस्ट 2 लड़की होना जरूरी है उस 5 मेंबर टीम, एटलीस्ट 2 माने 2 लड़की प्लस 3 लड़का, 3 लड़की प्लस 2 लड़का, 4 लड़की है या नहीं है, नहीं तो 4 लड़की प्लस 1 लड़का या 5 लड़की प्लस 9 लड़का। कंडीशन के अनुसार देयर शुड बी एटलीस्ट 2 गर्ल्स इन योर टीम। तो यही 2 विकल्प मेरे पास है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन एक और दिया है। अभी हम सिर्फ पहला रिस्ट्रिक्शन का मतलब समझाए आपको कि एटलीस्ट 2 गर्ल्स इन द टीम का मतलब 2 लड़की एंड 3 लड़का। अगर सिर्फ इतना ही रिस्ट्रिक्शन दे तो कितना सवाल आंसर होगा, 2 लड़की एंड 3 लड़का, ये कितना तरीका से आप चुन सकते हैं। तो 3 लड़की में से कोई 2 लड़की चुनने का तरीका, और फिर 7 लड़का में से कोई 3 लड़का चुनने का तरीका गुना करेंगे। और इसका कितना तरीका है कि 3 लड़की चुनेंगे एंड 2 लड़का चुनेंगे, या नहीं एंड, आपको 5 चुनना ही है तो 3 लड़की चुने एंड 2 लड़का चुने। एंड बोलते ही मतलब कि आप एक अच्छे मैथमेटिशियन हैं, आप समझ रहे हैं कि आपको गुना करना है। तो 3 लड़की, 3 में से 3, आप 7 में से कोई 2, आप यहां पे प्लस है, या ये चुनेंगे आप चॉइस, या यहां बीच में दोनों के और है, दिस चॉइस और दिस चॉइस, तो आप इन दोनों को फिर ऐड कर देंगे एंड यू गेट द आंसर। अगर सिर्फ पहला रिस्ट्रिक्शन होता तो, लेकिन कुछ और रिस्ट्रिक्शन हम ऐड कर दिए हैं। देर आर 2 बॉयज इन दिस लॉट हु इंसिस्ट दैट दे मस्ट बी चोजन टूगेदर और नॉट चोजन एट ऑल। इस 7 में से 2 लड़का ऐसा है, मित्र है, कि सर हम लोग को टीम में रखना है ना, तो प्लीज दोनों को साथ रखिएगा, अनेक छोड़ दीजिएगा, हम लोग को बच्चों, ठीक। अब जवाब क्या होगा, अब क्या क्या विकल्प है, देखिए इन 2 पर्टिकुलर विद्यार्थी है जो एक साथ रहना चाहता है, उनको हम एक जगह कर दिया, और 5 लोग हैं जिनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आप किसी को भी चुन सकते हैं उसमें से, और 3 लड़की, ये हमारा ग्रुप्स में बांट दिए, हम 3 ग्रुप में भी बांट दिए, 3 लड़की, वो 2 लड़का जो इंसिस्ट कर रहा है कि हमको साथ ही भेजिए नहीं तो मत भेजिए, और बाकी 5 लड़का। अब बनाते हैं कितना तरह से हम 5 मेंबर का टीम बना सकते हैं। तरीका 1, हम इस ग्रुप का कुछ नाम रख देते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3, या EQR नाम रख देते हैं। तरीका 1, नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म अ 5 मेंबर टीम इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, 2 लड़की चुन लिए इस ग्रुप में से, अब 3 लड़का चुनना है, हम
दो लड़का चुन लिए इस ग्रुप में से फ्रॉम क्यू, एक लड़का चुन लिए फ्रॉम आर। ये लिखने का जरूरत नहीं था कि टू गर्ल्स चूजन फ्रॉम दिस ग्रुप, क्योंकि लड़की का एक ही ग्रुप है, फिर भी लिख रहे हैं। ये मेरे पास एक तरीका है, क्योंकि पांच होना चाहिए। एंड और दो लड़की फ्रॉम दिस ग्रुप एंड तीन लड़का फ्रॉम दैट ग्रुप, या तीन लड़की फ्रॉम पी एंड अब दो लड़का चुनना है। तो टू बॉयज चुनने हम फ्रॉम सेट क्यू, या तीन लड़की फ्रॉम दिस ग्रुप एंड टू बॉयज फ्रॉम दिस सेट आर। अब हम लोग काम कर सकते हैं जवाब इक्वलिटी। अब नंबर लिखेंगे, दो लड़की फ्रॉम दिस ग्रुप, तीन में से दो इनटू इस ग्रुप में से दो, एक ही तरीका है, इनटू वन और इसमें से कोई एक, 5C1 प्लस ये वाला, दो लड़की 3C2 इंटू इसमें से तीन लड़का 5C3 प्लस, अब ये तरीका, तीन में से तीन लड़की 3C3 विच इज वन एंड दिस इज वन इंटू वन यानी वन प्लस, तीन में से तीन लड़की विच इज वन 3C3 इंटू इसमें से दो लड़का विच इज 5C2, अब सबको ऐड कर देना है। 3C2 का वैल्यू 3C1, 5C1 का वैल्यू 5, तो ये 15 है, 15 प्लस 3C2 इज 3C1 विच इज 3, 5C3 इज 5C2 विच इज 5 इंटू 4 बटे 2 10, 30 प्लस 1 प्लस 5C2 which is 5 into 4 noted to 10, that is the answer, 14 plus 16 56, total 56 tarah se aap team ko bana sakte hain with these restrictions. Ye ek sawal ko dekhiye, ek 12 sided polygon hai, matlab ki uska 12 वर्टिसेस होगा। हम उन वर्टिसेस को कुछ नाम दे रहे हैं, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, थोड़ा और जगह बना लें V12। रेगुलर नहीं बोले हैं, खाली 12 साइडेड पॉलीगॉन बोले हैं, मतलब 12 कोना होगा वर्टिसेस। हमको एक ट्रायंगल बनाना है इन डॉट्स को, जैसे हम अगर ये डॉट और ये डॉट को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना सकते हैं, ये डॉट ये डॉट ये डॉट ये डॉट ये डॉट और ये डॉट को भी ज्वाइन करके ट्रायंगल, इस बहुत सारा ट्रायंगल्स बना सकते हैं। कुल कितना ट्रायंगल्स बना सकते हैं, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन में कुछ रिस्ट्रिक्शन होगा। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, केवल इतना ही क्वेश्चन हो कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म बाय कनेक्टिंग दी डॉट्स, तो एक ट्रायंगल बनाने के लिए कितना डॉट्स का जरूरत पड़ता है, यू नीड 3 डॉट्स, कोई तीन, दिस दिस एंड दिस, तीन डॉट जहां आपके पास हुआ, एक स्ट्रेट लाइन में खाली नहीं होना चाहिए। अगर एक स्ट्रेट लाइन में तीन डॉट हो तो उनको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर, lying along one line. If the three dots are collinear, you will not obtain a triangle by joining them. But agar non-collinear dots hai, ek bhi point agar tino line mein nahi hai, to ek triangle pakka banega. To triangle banane ke liye aapko kya chahiye?
3 non-collinear ducts are required to form a triangle. तो हम अगर पूछें कि यहां पे ट्रायंगल बनाना है by connecting the dots, the vertices, how many triangles can be formed? तो यहां 12 डॉट है और सब नॉन कोलिनियर, कोई भी 3 डॉट ऐसा नहीं है जो एक लाइन में होगा, सब नॉन कोलिनियर. तो ये कितना ट्रायंगल बन सकता है? The answer is simple, 12 में से कोई 3 डॉट कितने तरीका से हम चुन सकते हैं, इतना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हम बना सकते हैं. दिस एक चॉइस, दिस अनदर, दिस कुल इतना ट्रायंगल्स बनेगा. पर रिस्ट्रिक्शन है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स खोजना है, कैट हो बन सकता है विथ नो साइड कॉमन विथ दी पॉलीगॉन. यानी ऐसा कोई ट्रायंगल, जैसे हम ऐसा एक ट्रायंगल बनाए, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि इस ट्रायंगल का एक साइड है जो पॉलीगॉन से कोइंसाइड कर रहा है. हाँ, ये अलाउड है, यहां हाँ ये बन सकता है, सच ए ट्रायंगल इज अलाउड. उसका कोई भी साइड पॉलीगॉन के साइड से कोइंसाइड नहीं करना चाहिए, ओनली सच ट्रायंगल्स. ये ट्रायंगल बना दिए, नॉट अलाउड, ये नॉट अलाउड. तो पहले तो सवाल तो समझ जाइए ना कि हमसे चाहता क्या है. विदाउट रिस्ट्रिक्शन इतना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन सकता है, बट इसमें वो सब ट्रायंगल भी गिनती हो गया है, ऐसा वाला ट्रायंगल भी गिनती हो गया, ऐसा वाला ट्रायंगल भी गिनती हो गया. तो उन सबको घटाएंगे इसमें से, खोजते हैं. ऐसा क्या ट्रायंगल है जिसका एक साइड कॉमन है विद दी पॉलीगॉन? पहले उसको ढूंढते हैं, फिर ढूंढेंगे ऐसा क्या ट्रायंगल है जिसका दो दो साइड कॉमन हो. तीनों साइड कॉमन तो हो नहीं सकता, कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा जिसका तीनों साइड कॉमन हो पॉलीगॉन के साथ. दिस एंड दिस ट्रायंगल कैसे बनेगा? हाँ, लेकिन ऐसा ट्रायंगल्स बनेगा जिसका एक साइड वन साइड कर रहा हो. जैसे ये एक ट्रायंगल बना, ये एक ट्रायंगल बना, ये एक ट्रायंगल बना, ये एक ट्रायंगल बना, ये बना, ये कॉमन रख करके गिनती कर ले, कैठो बनेगा. जैसे हम इस साइड को चुन लिए, इसको नहीं चुनेंगे अब, क्योंकि इसको चुनेंगे तो ये टू साइड कॉमन वाला ट्रायंगल हो जाएगा. हम गिनती कर रहे हैं पहले वन साइड कॉमन वाला ट्रायंगल. ये दोनों पॉइंट को छोड़ के कुल 8 पॉइंट बचेगा. तो ये साइड कॉमन हो तो ऐसा 8 ट्रायंगल बनेगा. अगल बगल वाला छोड़ दिए, क्योंकि अगल बगल वाले को ले लेंगे ना तो वो दो साइड कॉमन वाला ट्रायंगल बन जाएगा. अभी हम गिनती कर रहे हैं ऐसा ऑल सच ट्रायंगल्स व्हिच हैव वन साइड इन कॉमन. जैसे इसको कॉमन ले तो 8 ट्रायंगल बन सकता है, फिर इसको कॉमन ले तो अनदर 8, इसको कॉमन लेकर के बनाए बेस अनदर 8, और ऐसा ऐसा कैठो है 12. तो 12 × 8 96 ऐसा ट्रायंगल्स है जिनका एक साइड पॉलीगॉन के साइड से कोइंसाइड कर रहा है. अब ऐसा ट्रायंगल जिसका दो दो साइड कोइंसाइड कर रहा है, दो साइड कोइंसाइड करने वाला ट्रायंगल तो तीनों वर्टेक्स जो आप चुनेंगे अगल बगल होना चाहिए, अगल बगल ही होगा. अगल बगल वाला तीन तीन कैट हो चुन सकते हैं आप. वन से चलिए V1, V2, V3. अगर आप वर्टिसेस ले लें तो एक ट्रायंगल बनेगा जिसका दो साइड कॉमन होगा. V2, V3, V4 एक एक घसकाते जा रहे हैं, V3, V4, V5, अब V12, V1, V2. यानी कुल ऐसा 12 ट्रायंगल बनेगा जिसका दो साइड वन साइड कर रहा है. तो और 12 इसमें ऐड कर दीजिए, आपको इन सब को हटाना है इसमें से. एंड सो द फाइनल आंसर इज 12C3 − 96 + 12. दैट इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स. देर आर 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज.
लीनियर अरेंजमेंट का सवाल है, मतलब इन लोगों को एक लाइन में सामने खड़ा करना है। सर्कुलर अरेंजमेंट बोलते मतलब गोल में खड़ा करना है। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो तो आठ लोग हैं टोटल, एक फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज से हम उनको खड़ा कर सकते हैं। सबका एक नाम रख दीजिए, जी वन जी टू जी थ्री जी फोर जी फाइव बी वन बी टू बी थ्री। जी वन को यहाँ खड़ा किए, जी टू को यहाँ, जी थ्री को यहाँ, बी वन बी टू को यहाँ, जी फोर जी फाइव यहाँ, बी थ्री यहाँ, एक अरेंजमेंट। ऐसा कुल कितना तरह से हम खड़ा कर सकते हैं वो इतना तरीका। तो क्वेश्चन हमेशा कोई रिस्ट्रिक्शन होता ही है, इसमें रिस्ट्रिक्शन है, कोई लड़का एक साथ नहीं बैठाना है। No two boys should be seated together. तो इनको सजाते हैं, पहले हम लड़की लोग को बैठा लेते हैं, जी 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 जी, और इनके बीच में जो एक्स मार्किंग कर रहे हैं या किनारे में भी, इन्हीं स्थानों पे आप लड़कों को खड़ा कर सकते हैं। एक दो तीन चार पांच छह स्थान आपके पास है, इन्हीं छह स्थानों में से किसी स्थान पे आप तीन लड़कों को खड़ा कर सकते हैं। कितना तरह से आप अब अरेंज कर सकते हैं, तो आप पहले चुन लीजिए कि इन तीन स्थान में से कौन तीन स्थान पे खड़ा करेंगे, ये 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 या ये ये और यहां, या यहां यहां और यहां। तो छह में से तीन स्थान को चुन लीजिए। अब आप उन तीनों लड़कों को आपस में अदला बदली कर सकते हैं, जैसे आप डिसाइड किए कि हम इस स्थान पे एक लड़का को रखेंगे, इस पे और इस पे, किसको रखेंगे अभी वो डिसाइड नहीं किया, स्थान डिसाइड किया कि हम इन तीन स्थान पे रखेंगे, बी वन बी टू बी थ्री, बी वन बी थ्री बी टू, बी वन बी टू बी थ्री। आपस में हम इनको म्यूचुअली अरेंज कर सकते हैं, म्यूचुअली थ्री फैक्टोरियल तरीका से, और जो लड़की लोग हैं वो भी आपस में अदला बदली कर सकते हैं इन अनदर फाइव फैक्टोरियल नंबर। तो इतना तरीका से हम इनको यहां पे बैठा सकते हैं। एक नंबर बनाना है आपको, सौ से बड़ा लेकिन हजार से छोटा, मतलब थ्री डिजिट नंबर, 101 से लेके 999 तक का नंबर्स। यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही डिजिट्स है हमारे पास, इन्हीं का इस्तेमाल करके आपको नंबर्स बनाना है। वैसे हम सब जानते हैं कि 100 से बड़ा और 1000 से छोटा कुल कितना नंबर्स बन सकता है। 100 में 900 ऐड कर दीजिएगा तो 1000 पहुंच जाइएगा, तो एक कम ऐड कीजिए, 899 नंबर्स आप बना सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 101 एंडिंग ऑन 999। तो यहां से लेके यहां तक का कुल संख्या है 899। अगर आप गिनती करते परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के अपने कॉन्सेप्ट से, तो आप इस स्थान को भर सकते हैं जीरो छोड़ करके कोई भी डिजिट, यानी नौ तरीका से इस स्थान को भर सकते हैं। इस स्थान को बोलते हैं यूनिट्स प्लेस, इस स्थान को बोलते हैं टेंथ प्लेस, और इसको हंड्रेड प्लेस बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि जब कोई भी नंबर आप लिखते हैं ना इस तरह से 273, तो पढ़ते नहीं है 273, इसको पढ़ते हैं 273। मतलब एक्चुअली जो यहां लिखा हुआ है वो 2 × 100 लिखा हुआ है, प्लस 2 × 10 लिखा हुआ है, प्लस 7 × 10 लिखा हुआ है, प्लस 3 × 10⁻⁰। यूनिट्स प्लेस मतलब ये 10⁻⁰ का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए इस स्थान को बोलते हैं यूनिट्स स्थान, इसको 10th स्थान, और इसको 100th स्थान बोलते हैं, और इसको फिर 1000th। तो इस स्थान को 100th स्थान को आप भर सकते हैं इनमें से कोई एक डिजिट से, इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते, नहीं तो फिर वो नंबर 100 से छोटा हो गया। और तब इस स्थान को भर सकते हैं अब आप टोटल यहां पे 10 डिजिट्स है, और किसी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं, 223 भी लिख सकते हैं, 222 भी लिख सकते हैं, सो यू आर अलाउड टू रिपीट
अब इसको 10 तरीका से भर सकते हैं, देयर आर 10 डिजिट्स, इनमें से कोई नहीं, और फिर इसको भी 10 डिजिट तरीका से, तो टोटल तरीका हुआ 10 × 10, 100 × 9, 900, पर इसमें एक 100 भी गिनती हो गया होगा, जब यहां आप 1 डिजिट लिखे होंगे और यहां पे 0 और यहां 0 लिख दिए होंगे, तो एक 100 नंबर भी इसी गिनती में आ गया, उसको घटा दें क्योंकि हम 100 से बड़ा नंबर्स पूछ रहे हैं, तो 899 नंबर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, पर ये क्वेश्चन नहीं है, स्वाभाविक है ये क्वेश्चन क्यों होगा, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होगा, रिस्ट्रिक्शन ये है कि कम से कम एक डिजिट 7 होना जरूरी है, मतलब यहां पे जो भी हम नंबर लिखेंगे, जैसे ऐसा नंबर अलाउड है लेकिन ऐसा नंबर नहीं अलाउड है, ऐसा नंबर अलाउड है, ये नंबर भी अलाउड है, कम से कम एक स्थान पे 7 लिखना चाहिए, दैट इज द रिस्ट्रिक्शन। अब बताइए कितना नंबर्स बना सकते हैं, 100 से बड़ा, 1000 से छोटा, लेकिन कम से कम एक स्थान पे 7 होना चाहिए, तो हम लोग 3 केस कंसिडर करेंगे, पहला कि एक स्थान पे 7 है, फिर दूसरा केस लेंगे कि 2 स्थान पे 7 है, और तीसरा केस लेंगे कि 3 स्थान पे 7 है, तीनों को फिर जोड़ देंगे, केस 1 और केस 2 और केस 3, या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक भी स्थान पे 7 नहीं हो, वैसा वाला केस गिनती कर ले, टोटल 899 में से सब्ट्रैक्ट उस केस को जिसमें कि एक भी स्थान पे 7 नहीं, माने 7 को छोड़ दीजिए, अब बनाइए कितना नंबर्स बना सकते हैं, अब वो सब्ट्रैक्ट, दैट इज ऑफ कोर्स सिंपलर, तो हम लोग वही करते हैं, 7 को भूल ही जाइए कि इस लिस्ट में है, यहां पे टोटल 10 डिजिट्स है 0 से लेकर 9 तक, 1 को भूल जाइए, तो अब बचा आपके पास 9 डिजिट, इस स्थान को हम भर सकते हैं 8 तरीका से, 0 नहीं भरेंगे, हम जो भी नंबर बना रहे हैं 100 से बड़ा 1000 से छोटा, लेकिन अब इन्हीं डिजिट्स को इस्तेमाल करेंगे माइनस डिसर, तो हम इस स्थान को भर सकते हैं 8 तरीका से, और इस स्थान को 9 और इसको 9, हाँ इसमें फिर वही, यहां अगर 1 लिखे हों और इन दोनों जगह पे 0 0, तो वो नंबर को काउंट नहीं करना था 100 से बड़ा, क्योंकि यहां पे 9 × 9 × 8 81 × 8 648, 648 में से एक घटा दीजिए, माइनस 1 कर दीजिए, 81 × 8 − 1, आप 3 डिजिट नंबर्स बना रहे हैं 100 से बड़ा यूजिंग ओनली दिस, तो हम गिनती कर लिए टोटल इतना, लेकिन उसमें से ये हम क्यों घटाए वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उस गिनती में 100 भी बन गए 100, तो उसको हटाना जरूरी था, 648 − 1 647, ऐसा नंबर्स बनेगा 100 से बड़ा 1000 से छोटा, जिसमें 7 नहीं है, और ये है बिना रिस्ट्रिक्शन के हम इतना नंबर्स बना सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 वुमेन एंड 6 मेन। A committee is to be formed of 3 women and 3 men. इसी में से चुन के बनाना है। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहे तब कोई दिक्कत ही नहीं है, 8 में से कोई 3 को चुन लीजिए एंड इन 6 में से किसी 3 को चुन लीजिए विदाउट रिस्ट्रिक्शन। नंबर ऑफ वेज of forming the committee without restriction equal as the value calculate 8 × 7 × 6 divided by 6 6 × 5 × 4 divided by 6 cancel out kar de aur 8 × 7 × 20 48 hai 8 7 56 into 20
So 112, 1120 इतना तरह से आप कमिटी बना सकते हैं। पर हर सवाल में कुछ रिस्ट्रिक्शन होता ही है, इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। वन मैन एंड वन वुमन, इस झुंड में से कोई एक व्यक्ति और इस झुंड में से कोई एक व्यक्ति, दे रिफ्यूज टू वर्क टूगेदर, हम लोग साथ नहीं काम कर सकते। अगर हमको चुनिएगा तो उनको नहीं चुनिए। अब बताइए कि कितना तरह से कमिटी बना सकते हैं। तो हम लोग बहुत सिंपल है, एक ऐसा कमिटी बनाते हैं जिसमें वो दोनों को चुन लेते हैं, उसको माइनस कर देंगे। टोटल जितना तरीका था कमिटी बनने का, उसमें से उन्हीं को माइनस करना है, उन सिचुएशंस को जिसमें कि दोनों सिलेक्ट हो गया है। कमिटी में अगर उस पर्टिकुलर आदमी का नाम हम ए रख दें और उस पर्टिकुलर फीमेल का नाम बी रख लें, जो एक साथ नहीं काम करना चाहते हैं, तो आप कमिटी जो बनाएंगे 6 लोगों का, टोटल यहाँ 14 लोग हैं, सब लोग नहीं कमिटी में आ जाएंगे। जब भी एक कमिटी बनाइएगा तो कुछ लोग छूटे रहेंगे, दोनों छूट जाए मंजूर है, ये छूट जाए वो सेलेक्ट हो जाए कमिटी में ये भी मंजूर है, ये सेलेक्ट हो जाए वो छूट जाए ये भी मंजूर है, पर दोनों सेलेक्ट हो जाए ये मंजूर नहीं है। तो हम सिर्फ उन केसेस को अब काउंट कर लें जिसमें कि दोनों को हम इंक्लूड कर लिए, आप फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए दोनों को इंक्लूड करते हैं, माने नंबर ऑफ वेज इन विच ऑफ फॉर्मिंग अ कमिटी इन विच बोथ ए एंड बी आर इंक्लूडेड इक्वल। अब एक आदमी चुना गया है, अब बचा 5, उस 5 में से अब कोई 2 आदमी और चुनना है, 3 ही आदमी ना टोटल चुनना है, तो 5 में से 2 आदमी चुने, और एक वुमन वो भी बी भी चुना गई है, तो और बचे 7 में से कोई 2 को अब चुनना है, (7, C2) बस सबके सब्ट्रैक्ट करना है। सो दिस इज 5 × 4/2, 7 × 6/2, ये 4 कैंसिल आउट हो गया, और 42 × 5, अब बस अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 1120 - 210, इतना तरह से कमेटी बना सकते हैं। एक और तरीका से बना के देखते हैं, अगर हम ऐसे सोचते हैं कि अच्छा हम उस केस को गिनती करें जब ए सिलेक्ट हुआ है कमेटी में, अभी नहीं हुआ है, उस केस को गिनती करें, केस 1, ए सिलेक्टेड बी नॉट सिलेक्टेड, केस 2, बी सिलेक्टेड ए नॉट सिलेक्टेड, केस 3, बोथ नॉट सेलेक्टेड, वो तीनों को ऐड करते हैं, इतना ही आना चाहिए, जस्ट टू कन्विंस आवरसेल्फ कि हम लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग क्लियर हो चुका है। लेट अस चेक, केस 1 हम लिए हैं, ए हैज बीन सेलेक्टेड एंड बी नॉट सेलेक्टेड, ए को सेलेक्ट कर लिया, तो 2 आदमी और चुनना होगा 5 में से, 5C2, बी को नहीं लेना है, तो 7 लोग बच गया, 7 में से 3 को चुनना है, (7C3), या अगली बार हम बी को सिलेक्ट कर ले रहे हैं, तो 2 और वुमन को चुनना होगा फ्रॉम द रिमेनिंग 7, (7C2), अब ए को नहीं चुनना है, यानी 5 ही में से कोई 3 को चुनना है, दोनों में से किसी को नहीं चुनना है, दैट इज द थर्ड केस। यानी यहां पे 7 लोग बचे हैं, 7 में से कोई 3 और यहां 5 में से 3, अब ऐड करके देखते हैं, दिस इज इक्वल टू 5 × 4/2 यानी 10, दिस इज 7 × 6 × 5/6 यानी 35 × 10, 350, दिस इज 5C3 विच इज 5C2 यानी 10, दिस इज 7 × 6/2
21 into 10, 210. This is 7 into 6 into 5, but a 6, 35. 5C2 is 10, so this is 350. इनका सम अगर इतना ही आ गया तब तो हम सटल हो गए कि हम दोनों तरह से बनाए हैं, दोनों सही है, आ भी रहा है 700, 910। दो सवाल और हम लोग देख लें। एक पैक ऑफ 52 कार्ड्स है और उसमें से हमको 5 कार्ड्स चूज करना है। 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड्स बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अगर चुनना होता तो 52C5, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है कि दीज कार्ड्स में एटलीस्ट वन किंग होना चाहिए, सच दैट देयर इज एटलीस्ट वन किंग। 5 में से एक कार्ड कम से कम एक किंग होना चाहिए। 52 कार्ड्स में से 4 किंग्स होता है इन एनी पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स का जो पैक है उसमें 4 किंग्स होता है एंड 48 अदर्स। तो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अगर हम 5 कार्ड चुनते तो इतना तरीका से चुन सकते हैं। अब हम उन केसेस को काउंट करें, ये नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 कार्ड्स फ्रॉम 52 कार्ड्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन। लेकिन रिस्ट्रिक्शन है, एटलीस्ट वन किंग होना चाहिए, यानी कि एक भी किंग नहीं हो वो वाला केस को हमको एक्सक्लूड करना है। एक भी किंग नहीं चुने वो कितना तरीका से चुन सकते हैं, इन 48 में से 5 चुन लें अगर तो इतना तरीका से हम चुन सकते हैं। अब इसमें एक भी किंग नहीं हो रहा, सो दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस पैक सच दैट देयर इज नो किंग। बस आंसर हो गया। अब इतना में से इतना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और आपको वो वाला केस सब आ जाएगा जिसमें कि कम से कम एक किंग है। इसी सवाल को देखिए हम एक और तरीका से बनाते हैं, वो उतना हैंडसम नहीं है तरीका, और उस दूसरे सॉल्यूशन को भी जरा देख लीजिए। दिस इज स्मार्ट। अगर हम केस वन केसेस में बांटते हैं, केस वन एक किंग एंड प्लस 4 अदर्स, या 2 किंग प्लस 3 अदर्स, या 3 किंग प्लस 2 अदर्स, 4 किंग प्लस 1 अदर, या 5 किंग्स। इतने सारे केसेस में हम बांट रहे हैं, सबके बीच में और है और हम ईच नंबर ऑफ वेज को काउंट करके और हम ऐड करते हैं। ये भी एक तरीका है। जैसे एक किंग चुनने का कितना तरीका है, तो 4 में से कोई एक चुन लीजिए एंड बाकी 48 में से 4 चुन लीजिए। इतना तरह से आप कार्ड्स चुन सकते हैं 5, जिसमें कि एक ही किंग। दो दो किंग वाला कितना केसेस है, 4 में से कोई 2 किंग मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग 48 में से कोई किंग, 4 में से कोई 3 किंग और रिमेनिंग 48 में से 2, 4 में से 4 और रिमेनिंग 48 में से 1। ये केस अराइज नहीं करता है क्योंकि 5 किंग्स होता ही नहीं है पैक ऑफ कार्ड्स में। अब हम इन चारों को अगर ऐड कर दें तो हमको कल आंसर आ जाए, बट ये अनस्मार्ट है। स्मार्ट तरीका वो था जिसमें कि हम विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाला केसेस को काउंट कर लिए और एक भी किंग ना सेलेक्ट करें वाला केस को काउंट करके सब्ट्रैक्ट कर दिए। दैट वाज स्मार्ट। ये आंसर ऐड करने पर उतना ही आना चाहिए जितना कि ये आंसर होगा। इसको देखें,
गिवन 10 पॉइंट्स, 1, 2, 3, 4 इस तरह से. इन 10 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोई तीन है जो एक स्ट्रेट लाइन में है. P1, P2, P3, P4, P5, P10 तक हम नाम दे दें, इसमें से कोई तीन पॉइंट है जो कोलिनियर है गिवन. मे बी P1, P2, P3 कोलिनियर वाले का नाम रख देते हैं, और बाकी जो 7 पॉइंट है वो सब ऐसा है कि अब इनके अलावा कोई भी तीन पॉइंट को ज्वाइन कीजिएगा तो कोलिनियरिटी नहीं मिलेगा. सो एंड रिमेनिंग आर नॉन कोलिनियर. क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स. ज्वाइन कर करके ट्राइंगल बनाना है. जैसे हम इन दोनों को इसके साथ ज्वाइन किए, ट्राइंगल बन गया. इसके साथ इसको ज्वाइन किए, ट्राइंगल बन गया. इसके साथ इसके साथ, तो कितना ट्राइंगल्स आप बना सकते हैं. तो ये देखिए कि ट्राइंगल बनाने के लिए आप करते क्या है. यू हैव टू चूज 3 पॉइंट्स टू फॉर्म अ ट्राइंगल. तो 10 पॉइंट में से 3-3 पॉइंट चुनने का कितना तरीका आपके पास है. MC3, इतना ट्रिपलेट्स आप चुन सकते हैं. जैसे P1, P2, P3 इज अ ट्रिपलेट. P1, P2, P4 इज अनदर ट्रिपलेट. P1, P2, P5, P1, P2, P9, P2, P3 कितना तरह का ट्रिपलेट्स चुन सकते हैं, इतना. बट ये सब ट्रायंगल नहीं बनेगा. ये जो कोलिनियर पॉइंट्स है, तीन ही है इस सवाल में, उस संख्या को चलिए बढ़ा देते हैं. 10 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट कोलिनियर है एंड रिमेनिंग नॉन कोलिनियर. मान लीजिए उन पॉइंट्स का नाम हम P1, P2, P3, P4 रख देते हैं जो कोलिनियर वाले पॉइंट्स. बाकी सब में से कोई भी तीन पॉइंट को लीजिएगा तो कोलिनियर की नहीं मिलेगा. यही सवाल कह रहा है, 6 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर. तो हम ट्रिपलेट्स जो चुन सकते हैं वो इतना तरीका से, पर ये सारा ट्रिपलेट्स को ज्वाइन करने पर एक ट्रायंगल नहीं बनेगा. जैसे इसी कलेक्शन में P1, P2, P3 भी एक है कलेक्शन, बट इनको ज्वाइन करने से ट्रायंगल नहीं बनेगा बिकॉज दे आर कोलिनियर पॉइंट्स. तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए. तो ऐसा ऐसा ट्रिपलेट्स कैठो है जो कोलिनियर हो गया है, वो है 4C3. इन चारों में से आप अगर 3-3 पॉइंट्स का चॉइस करें तो इतना तरीका का चॉइस हो सकता है. जैसे P1, P2, P3 इज वन चॉइस, P1, P2, P4 इज अनदर, P1, P3, P4 इज अनदर, P2, P3, P4 इज अनदर. इन चारों पॉइंट्स में से 3-3 पॉइंट चुनने वाला इतना तरीका है. तो दिस माइनस दिस कर दीजिए तो आपको अब ऐसे ट्रिपलेट्स का नंबर्स मिल जाएगा जो नॉन कोलिनियर हो. इतना नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आप बना सकते हैं. चलिए अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सब आ